हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई ये वीडियो थोड़ी सीरियस होने वाली है। वैसे तो मेरे चैनल पे तुम लोग देखोगे मैं जूम रेड वीडियोस या फनी रोस्ट टाइप वीडियोस बनाता हूँ, बट ये वीडियो थोड़ी सीरियस होने वाली है। एंड यस, अगर तुम घोस्ट स्टोरी सुन के या घोस्ट मूवीज देख के जल्दी डर जाते हो, तुम वीक हार्टेड हो, तो प्लीज इस वीडियो को मत देखो। इट्स 100% रियल इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ है, एंड जो लोग देख रहे हैं वॉच इट ऑन योर ओन रिस्क। तो मेरे साथ काफी ज्यादा पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हो चुके हैं आज तक, काफी ज्यादा। तो उनमें से एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ एक्चुअली, एंड तुम लोग में से कई लोग सजेस्ट भी कर रहे थे कि यू नो यू कैन डू स्टोरी टेलिंग टाइप वीडियोस। तो मैंने कहा व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट, एंड मेरे पास एक्चुअली ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ। आई विल बी शेयरिंग वन ऑफ देम टुडे। सो कुछ टाइम पहले हमारा एक फैमिली फंक्शन था शिमला में, वहाँ पे सब गैदर हुए थे फॉर अ फंक्शन। उसमें मेरे सारे कजन्स आए थे, कजन्स की फैमिलीज, सब लोग। फंक्शन ओवर हो गया था ऑलमोस्ट, तो हम चार कजन्स थे, चारों भाई। तो हम लोग ने प्लान बनाया एक नाइट आउट करेंगे। सो वन ऑफ द कजन्स नाना हैड ओल्ड प्रॉपर्टी इन शिमला। वो एक विला टाइप था, काफी बैकवर्ड एरिया टाइप में था वो, काफी खाली एरिया में एक प्रॉपर्टी थी सिंगल। तो हमने कहा वहाँ पे नाइट आउट करेंगे, मजा आएगा भाई। एंड इतने टाइम बाद हम सारे मिले थे, सो ऑफ कोर्स इट वाज अ गुड आइडिया। तो हम वहाँ पहुंचे, सब सही चल रहा है, एंड रात के 2 बज गए। हम लोग बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, पूरा पार्टी शार्टी चल रही है, गाने चल रहे हैं, ठीक है, पूरा चिल मार रहे हैं अपन। 2 बज गए। मैं तुम लोगों को थोड़ा बता देता हूँ, वो प्रॉपर्टी वैसे एक ऐसी जगह पे था वो घर, ना उसके आसपास कोई घर था, दूर दूर तक आई डोंट थिंक कोई घर था। एंड वो जो घर था उसकी स्लोपिंग रूफ थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो शिमला में है तो वहाँ पे काफी ज्यादा बर्फ वगैरह पड़ती है सर्दियों में। एंड स्लोपिंग रूफ के अंदर एक एटिक भी था, पहले तो ग्राउंड फ्लोर था, उसके ऊपर एक एटिक था। एटिक पूरा खाली होता है, अंदर बस थोड़ा पुराना सामान पड़ा होता है, एंड वो लॉक्ड था, ऊपर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं गया था ऊपर, बहुत टाइम से खुला भी नहीं था वो एटिक। तो हम चिल मार रहे हैं, एंड मेरे को आ गया वॉशरूम रात के 2 बजे। मैं जा रहा हूँ वॉशरूम, ठीक है, मैं वॉशरूम जाता हूँ, ठीक है, कुछ नहीं है। फिर मैं जाता हूँ किचन में, मेरे को पानी पीना है, प्यास लग रही है। सो यस, आई गो टू द किचन। एंड उस घर में जो किचन था उसमें एक विंडो थी, जो विंडो से तुम बाहर देख सकते हो, बालकनी दिख रही है और घर के बाहर भी दिख रहा है पूरा खाली, ठीक है। तो वो जहाँ वाटर कूलर है, जहाँ से हम पानी ले रहे हैं, उसके बिल्कुल सामने ही वो खिड़की है और पूरा बाहर व्यू दिख रहा है। तो मैंने गिलास उठाया एंड मैं पानी भर रहा हूँ, एंड खिड़की के बाहर मैंने देखा, एंड आई सॉ समवन रनिंग अक्रॉस। वो इतनी जल्दी ऐसे हुआ, एक ब्लिंक में इट वॉज कि कोई ऐसे भाग के गया। इट वॉज अ ब्लैक शेडो। ऑफकोर्स अब मुझे लगा ऐसी होगा कुछ बर्ड वगैरह होगा मे बी, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, एंड आई गो बैक टू माई रूम, ठीक है। और वैसे ही 2 बज रहे हैं, तो मैंने भगचौदी में कजन्स को बताया, भाई मेरे को बाहर कोई दिखा यार, भागता हुआ यार, ऐसे मैंने बताया उनको। वो मेरा उल्टा मजाक उड़ाने लग गए, कहते डरपोक। तो ऐसे ही हम बकचोदी कर रहे हैं। इट्स 2:30 ऑलमोस्ट 3, और हमें एकदम से, हम सब बैठे हैं, हम एक्चुअली सोने की तैयारी कर रहे हैं अब, बट एकदम से हम बैठे हैं एंड हमें एकदम से ऊपर से आवाज आई जैसे कोई भाग रहा है, धक 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 धक, ऐसे कोई भाग के गया ऊपर। एंड हमारे ऊपर था एटिक, और एटिक पूरा लॉक्ड था और उसमें कोई भी एंट्रेंस नहीं थी, कोई भी नहीं था, अंदर जाने का रास्ता ही नहीं था कोई। तो हम लोग ने थोड़ा डिस्कस किया, हमने सोचा ऐसे ही कुछ होगा, तो हमने ऐसे ही ध्यान नहीं दिया, हमने कहा बिल्ली बिल्ली होगी कुछ, तो हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, एंड वी ऑल वेंट बैक टू स्लीप। हम सब आसपास ही सोए थे, एंड इट वाज ऑलमोस्ट 3 आई गेस कजन्स तो सब सो गए थे मेरे, मैं जाग रहा हूँ अभी भी, ठीक है, आई एम ट्राइंग टू स्लीप। मेरे को वैसे ही बहुत लेट नींद आती है, आई एम ट्राइंग टू स्लीप, एंड सडनली आई फील समथिंग ऑन माई चेस्ट, कोई मेरी आंखें बंद है, बट मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरी चेस्ट पे कोई बैठा है, और मेरी हार्ट बीट एकदम से तेज हो गई बहुत ज्यादा, एंड एकदम से ये प्रेशर चेस्ट पे आ रहा है जैसे कोई बैठा है या फिर कुछ बैठा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर चेस्ट पे। भाई मेरी गांड फट रही है, ठीक है, मैं आंखें भी नहीं खोल सकता, पता चले भाई भूतनी बैठी है ऊपर मेरे, वो हॉरर मूवी चालू हो गई दिमाग में। एंड फिर मैंने जैसे तैसे करके बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के मैंने आंखें खोली, एंड जैसे ही मैंने आंखें खोली, जो सामने डोर था वो एकदम बंद हुआ, वो थोड़ा सा खुला हुआ था, वो एकदम बंद हुआ जैसे ही मैंने आंखें खोली, जैसे ही मैंने आंखें खोली कोई भाग के गया, दरवाजा बंद करके, वो 1 सेकंड के अंदर हुआ वो सब, और लिटरली डोर की आवाज भी आई। तो भाई मेरी पूरी फट गई भाई, फट के 4 हो गई मेरी। मैंने सब कजन्स को उठाया, भाई उठो बहन, जो है कोई इधर उठो, अब हम लोग बैठे हैं लाइट ऑन करके। तो हम लोग ने प्लान बनाया, तो हम 4 कजन्स थे, हमने प्लान बनाया 2 कजन रूम में बैठेंगे, 2 कजन्स बाहर चेक करके आएंगे, जो लोग ब्रेव थे। मैंने कहा मैं भी चलूंगा चेक करने, कोई बात नहीं, मेरे को डर नहीं लगता। एंड मेरे साथ था सबसे बड़ा कजन, ठीक है, हम दोनों चेक करने का प्लान बनाते हैं पूरा घर, कि कोई ऊपर ना आए, ऊपर चेक करेंगे, हर जगह चेक करेंगे, तुम दोनों रूम में बैठो और दरवाजे को अंदर से बंद कर लो, एंड खोलना मत जब तक हम नॉक नहीं करेंगे डोर पे, ठीक है।
तो ये हमारा प्लान था, ठीक है भाई हम दोनों जाते हैं चेक करने, जाते हैं हम पहले बाहर बालकनी चेक करते हैं, फिर हम ऊपर चेक करने जाते हैं। एंड हम लोग एटिक का दरवाजा भी चेक करते हैं, अच्छे से लॉक था, बट एटिक के दरवाजे की हम पे चाबी नहीं थी सो हम अंदर नहीं जा पाए, बट वो लॉक था अच्छे से, कोई भी नहीं था अंदर एटिक के भी, कुछ निशान नहीं है, कुछ बिल्ली नहीं है, कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक खाली पड़ा है। एंड हम 5 मिनट पूरा घूमते हैं, अच्छे से लाइट्स वगैरह ऑन करके आते हैं बाहर, ठीक है। करने के बाद हम वापस जाते हैं, हम डोर नॉक करते हैं कि भाई खोलो, एंड अंदर से एक कज़न कहता है भाई क्यों भगचौदी कर रहे हो यार, क्यों बार बार भगचौदी कर रहे हो। एंड आई वॉज लाइक व्हाट द फक, हमने उसको कहा भाई क्या हो गया, हमने अभी नॉक किया, दरवाज़ा तो खोल, ठीक है। फिर उसने दरवाज़ा खोला एंड जो बात उसने करी वो बात सुन के मेरी ऐसी कांड फट गई कि मैं अभी तक वो बात से मतलब पूरा इंसिडेंट याद रखूँगा पूरी लाइफ। उसने कहा तुम लोग 2-3 बार आकर पहले नॉक क्यों कर रहे हो डोर पे, और जैसे ही मैं खोल रहा हूँ कोई है नहीं, छुप क्यों रहे हो बार बार, भगचौदी क्यों कर रहे हो, उसने ये बोला। एंड वी वर लाइक हम अभी आए हैं, हमने अभी पहली बार नॉक किया है, हमने अभी जस्ट नॉक किया खोलने के लिए। भाई हम सब डर गए, हम अंदर गए भाई, हमने कुंडी लगाई, बैठ गए, डरे हुए सब, सबकी कांड फटी हुई है। एंड इट्स लाइक 3:15 or 3:30 इन द मॉर्निंग, एंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो या तुम झूठ बोल रहे हो, कौन झूठ बोल रहा है, नॉक किसी ने तो किया है हम में से ही झूठ बोल रहे हो, हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड एकदम से फिर से किसी ने डोर पे नॉक किया, धक धक धक। एंड उस मोमेंट पे भाई हम सब चुप, हमारी भाई पटके चार, लिटरली किसी ने डोर पे नॉक किया। एंड दैट ऑल नाइट वी ट्राई टू स्लीप, हम कोशिश कर रहे हैं सोने की, एंड वो पूरी रात हम सो ही नहीं पाए, हम लोग बस बैठे हुए हैं चुपचाप, एंड पूरी रात हमें ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे हमारे रूम के बाहर कोई घूम रहा है, लिटरली फुटस्टेप्स पूरी रात आते रहे हैं, एंड थोड़ी थोड़ी ऐसे अजीब अजीब आवाज़ें भी आ रही थी और फुटस्टेप्स आते रहे पूरी रात, हम सो नहीं पाए। तो जैसे ही भाई सुबह हुई हम सब भागे उधर से निकल गए। एंड थोड़े दिनों बाद हमें ये पता चलता है कि जो वो कज़न था जिसके नाना का वो प्रॉपर्टी था, उसके नाना उसको बताए कि भाई लोग कहते हैं कि उस घर में एक जिन रहता है। तो यस गाइस, ये थी एक स्टोरी, लाइक ये सिर्फ एक स्टोरी है जो मेरे साथ हुई है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा, मेरे साथ इससे भी खतरनाक चीज़ें हो रखी हैं, एंड आई रियली वॉन्ट टू शेयर देम ऑल विद यू। ऑल यू हैव टू डू इज लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट करो अगर अच्छी लगी। अगर इस वीडियो पे 50,000 लाइक्स आ जाते हैं आई विल श्योरली मेक अनदर वन, एंड आई होप तुम लोग को अच्छी लगी ऐसी टाइप की वीडियो एक, एंड मेरा काफ़ी मन था ऐसे हॉरर टाइप वीडियोज भी बनाने का, सो मेरे को प्लीज़ 50,000 लाइक्स होते ही मैं समझ जाऊँगा भाई हाँ तुम लोग को चाहिए। सो यस, आई होप तुम लोग को अच्छी लगी, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब मारो अगर न्यू हो चैनल पे, एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय।